हेलो गाइज, मैं हूं आपका भाई राजू और आप देख रहे हैं अपना चैनल वर्ल्ड फेमस एडिटर। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की धमाकेदार एडिटिंग सिखाने वाला हूं, तो कृपया आप लोग 2 मिनट इंतज़ार कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों की इस फोटो में मैंने जो भी एडिटिंग किया है वो पूरी तरह से मैं अच्छे से सिखाने वाला हूँ आज। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो मैं आगे से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मैं इस एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड एंड PNG यूज करने वाला हूँ, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग शेयर पे इसको यहाँ पर दबाएंगे, शेयर वाले पे, और इस बैकग्राउंड को अभी हम लोग शेयर करने वाले हैं स्क्रेच बुक में। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ स्क्रेच बुक में, हम लोग इसको शेयर किए हैं तो हमारा अभी स्क्रेच बुक ओपन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर ये कैची वाले जो निशान है इस पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे अभी, और यहाँ पर इमेज इम्पोर्ट इमेज का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से। और यहाँ से अभी हम अपने मॉडल का PNG जो अभी ने अभी क्रॉप किया था उसको भी ले लेंगे। अगर आपको इस तरह का PNG यानी बैकग्राउंड काटने नहीं आता है, तो मैंने इसके लिए पहले से वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हम लोग अपने बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सही के टिक पर क्लिक कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम अभी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लोग इस ब्रश वाले पे जाएंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट आया हुआ है ना, तो उसको हम लोग अभी इरेज कर देंगे। तो ऊपर जो हमारा ये ब्रश वाला जो मिल रहा है यहाँ पे, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और फोटो कैसे हम लोग जूम कर लेंगे पहले, इस तरह से हम लोग अभी जूम करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग इरेज करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा आया हुआ है इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग वीडियो को स्किप करोगे हमें पता है। तो यहाँ से हमने अपने एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लिया है, आप लोग अभी देख सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम लोग अभी कुछ करना नहीं है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे थ्री डॉट वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे शेयर पे दबाएंगे और फोटो को हम लोग अभी सेव कर लेंगे यहाँ पे, सेव टू डिवाइस। तो आप लोग अभी देख सकते हो, तो यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख कर कह रहे हैं, हमारा फ़ोटो अभी सेव हो रहा है। अब हम अपनी फ़ोटो को स्नैपशीट में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा फोटो भी स्नैपशीट में जा रहा है, हमारा स्नैपशीट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अभी टूल्स पे यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है क्लिक करेंगे इस टूल्स वाले पे ऑप्शन पे, और यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्टिव टूल को यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा है सिलेक्टिव टूल, यहाँ इस पर हम लोग क्लिक करेंगे अभी। और इस प्लस वाले आइकन पर हम लोग नीचे जो प्लस वाला आइकन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और हम लोग फेस को भी थोड़ा सा वाइट करेंगे अभी, और जैसे फेस पर हम लाइटिंग हमें भी दे दिया हमें। तो आप लोग इस तरह की लाइटिंग हम लोग उसी वीटिंग देते हैं, तो जो हमारा ब्लैक होता है हमें लोग उसी को सिर्फ वाइट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अच्छे से यहाँ पर लाइटिंग दे रहे हैं। तो अभी हम लोग इसमें सी वीटिंग वाला कलर भी देंगे, आप लोग टेंशन ना ले, सब कुछ अभी सिखाएंगे हम आपको पूरे अच्छे से। बस हम लोग फिर से अभी सिलेक्टिव पर जाएंगे, यहाँ पर अभी हम लोग कपड़े को अभी सिलेक्ट करेंगे, अभी जिस तरह से आप दिख रहे हैं अभी नीचे आएंगे और स्ट्रक्चर को पूरा फुल कर देंगे, कुछ नहीं करना, सिचुएशन को हल्का सा बढ़ाएंगे और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे, ब्राइटनेस हल्का सा कम कर दिए हैं। तो अभी हमारा हो चुका है, हम फिर से यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और इसके शॉट को भी थोड़ा सा येलो वाले पे बढ़ा देना अभी हम लोग। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्टिव टूल का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे और फिर से टूल्स में ड्रामा वाले पे क्लिक करेंगे, ड्रामा का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो डार्क टू आ रहा है हम लोग उस पर भी क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिल्टर को यहाँ से पूरे से तरीके से ये जो दिला के फिल्टर से इसको पूरा पूरा बढ़ाएंगे, इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और सैचुरेशन को भी पूरा फुल कर देंगे, पूरा 100% तक बढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे, और ऊपर जो यहाँ पे व्यूज़ का ऑप्शन दे रहा है ऊपर में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ व्यू एडिट जो दिया हुआ है हम लोग इस पर अभी क्लिक करेंगे, यहाँ यही वाला जो व्यू एडिट जो दिया हुआ है इस पर हम लोग अभी क्लिक कर रहे हैं, और हम लोग ये ड्रामा वाला भी फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रामा पे वाले ऑप्शन पर, और बीच वाला जो ऑप्शन दे रहा है एडिट का हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ये खुल के आया है, हम लोग यहाँ पे जो ये आ रहा है कन्वर्ट का ऑप्शन, इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो ये हमारा फिर से जो पहला वाला था वैसा हो जाएगा।
और हम लोग यहाँ फेस पर से हम लोग फेस जो हमारा ब्लैक हो रहा है इस पर से हम लोग अच्छे से इरेज कर लेंगे। हमारा जो हमारे फेस में लाइटिंग देता है वो लाइटिंग हमारा वापस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से पूरा अच्छे से इरेज कर रहे हैं और कपड़ा पर जो लाइटिंग है जो अभी हमने दिया है ये ड्रामा वाले लोशन से वो वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे फेस पर के हम लोग इरेज कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर पैर पर का भी हम लोग इरेज कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इरेज यहाँ पे हो चुका है पूरा, अभी उंगली पे थोड़ा सा लगा रहे हैं बस। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इरेज यहाँ से हो चुका है। हम लोग यहाँ से डन बल पे या सुनबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हमारा फ़ोटो सेव हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं करना है, फ़ोटो भी लेकर चलेंगे लाइट रूम में जो हल्का सा ब्लैक आ रहा है हम लोग उसको हटाएंगे बस। यहाँ से हम लोग भी लाइट रूम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर चले जाएँगे और यहाँ से हम इधर स्क्रॉल करेंगे, इफेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग भी थोड़ा सा क्लियरिटी को बढ़ा देंगे। तो क्लियरिटी को अभी हम लोग कुछ इतना तक हम लोग बढ़ा देंगे अभी, और टेक्सचर को भी थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देंगे 50% तक हम लोग बढ़ाएंगे इसको टेक्सचर को। उसके बाद हम फिर लाइट वाले पे आएंगे, सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ाएंगे और वाइब्रेशन को इतना, पहले हम लोग वाइब्रेशन को पूरा 100% कर रहे हैं और सेचुरेशन को करीब इतना थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं बस। और इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे मिक्स टूल वाले पे, और मिक्स वाले पे कुछ काम नहीं है, चलो यहाँ पे हम लोग उसकी बस लाइटिंग वाले पे जाते हैं और लाइटिंग को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे। आप लोग अपने से एडजस्ट कर लेना। देखो हम लोग इसमें मेन काम होता है जो ब्लैक को हम लोग पूरा फुल कर देंगे, और हमारा ब्लैक को पूरा फुल करेंगे यही हमारा मेन काम होता है। और हमारे काम के बाद यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को, और यहाँ से हमारा फोटो एक्सपोर्ट हो चुका है। तब हम स्क्रेच बुक में यहाँ से ओपन करेंगे फ़ोटो को, यहाँ से हम लोग स्क्रेच बुक में फेस को भी पूरा अच्छी तरीके से स्मूथ करेंगे। अभी हम आप लोग को स्मूथ करना सिखाएंगे अच्छी तरीके से। हम लोग यहाँ ब्रश पे चलेंगे, यहाँ पे ब्रश वाले टूल पे नीचे हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अभी आप लोग दिखा रहे हैं कौन सा ब्रश, तो अभी हमारा ये वाला जो ब्रश है हम लोग ये वाला ब्रश यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे स्मज ब्रश। और यहाँ से आप लोग इसकी सेटिंग देख सकते हो, हमारा फॉलो 5 है और सब्जेक्ट जो हमारा 9 है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरीके से। और इसके बाद अभी हम लोग फ़ोटो को यहाँ से जूम करेंगे, अभी फुल्ली जूम कर सकते हैं फ़ोटो को, क्योंकि फ़ोटो में जो मस्त सा क्वालिटी आ चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से फ़ोटो को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे अच्छी तरीके से। तो हाँ अभी आप लोग देख सकते साइज भाई, आप लोग जितने लोग हमारे वीडियोज़ को अभी देख रहे हो हम सबके लिए भी एक ऑफ़र दे रहे हैं यहाँ से। जो हमारे वीडियो पे फर्स्ट कमेंट करता है उसकी एक फ़ोटो मैं फ्री में एडिटिंग करवा करूँगा, खुद से भी मैं एक फ़ोटो फ्री में एडिट करूँगा। हमारे इंस्टाग्राम पर आप लोग देख सकते हो वर्ल्ड फेमस, हमारा इंस्टाग्राम आई डी है वर्ल्ड फेमस एडिटर। तो आप लोग वहाँ से सर्च कर लेना और वहाँ से हमारा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हमें भी फ़ोटो भेज सकते हो, और जो कमेंट करोगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार भेज देना, वैसे मैं देख लूँगा कमेंट को और आप लोग वहाँ से भेज भी देना। तो ठीक है, हम लोग अब आते हैं यहाँ पे स्मूथ की तरफ। तो देखो हमारा स्मूथ जो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो रहा है यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर ले रहे हैं, और कुछ नहीं मैं यहीं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो यार फिर से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे तो यार मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा वीडियो बनाना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है फ़ोटो एडिट करने में और ये वीडियो को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं, बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा।